कर हमारे मनीष साहब ने बात बहुत अच्छी कही थी और मैं भी साहब इस दिन कह रहा था कि ये जो वायदा किया था ना वो केजरीवाल साहब ने किया था जी कि परमानेंट किसको करेंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल हम पाए हैं ये वायदा केजरीवाल साहब ने किया था अनुराग साहब ने नहीं किया था और उससे पहले नीतीश साहब चले गए उन्होंने वादा नहीं किया था वायदा किया था केवल केजरीवाल साहब ने किया था वादा उन्होंने झांसी में निकल लिया था और इसी वजह से वो ठगा तक वोट किसको डाले थे झाड़ू पे वोट किसको डाले थे भी झाड़ू पे डाले थे भी इस वजह से हमें दिखाई पड़ रहा केजरीवाल जी हमें दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था हमें पूरी उम्मीद थी कि अगर कोई भी परमानेंट करेगा तो कौन करेगा जी झाड़ू करेगी अगर कोई सफाया करेगी तो हमारा थोड़ा सा समझ के तो कहने का मतलब यह है कि इस झाड़ू से पड़ी उम्मीद थी कि यह सफाई करने आई है गवर्नमेंट में जो गंदगी लगी हुई है जो काई लगी हुई है जो जंग लगी हुई है वो ये झाड़ू कुछ ना कुछ साफ कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो मेरे ख्याल से काई जहाँ जमी हुई थी जितनी गंदगी जमी हुई थी अब मैं ये गंदगी और काई का शब्द यूज कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संबंध है ये समझना चाहिए आपको ये गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता दूसरा गवर्नमेंट से बेटर है कहीं ना कहीं फेलियर है कहीं ना कहीं फेलियर है जैसा कि मनीष साहब ने कहा कि ये वायदा जो किया था परमानेंट करने का केजरीवाल साहब ने किया था किसी एलजी नहीं किया टीम ने नहीं किया किसी ने किया दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हम आ रहे हैं दिल्ली में हम काम कर रहे हैं दिल्ली की राजधानी में काम कर रहे हैं उम्मीद केवल दिल्ली की सरकार से होना चाहिए हमें किसी और से नहीं होना चाहिए मेरी अगर ये कहते हैं कि फाइल हम पास कर रहे हैं धीरे 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 बहुत स्लो मोशन से आ रहे हैं हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें दिन पर दिन मैं समझता हूँ अभी सबके घर में रोटियां बन रही होंगी अभी जो पिछले महीने की सैलरी है ना वो भी रखी है क्या जाम करना पड़ेगा कौन सा जोड़ा जाम करना पड़ेगा ये हमें इस गवर्नमेंट को दिखाना है गवर्नमेंट को ये दिखाना है केजरीवाल साहब बंद कमरों में बैठ के बात ना करें वो भी जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट को बुला लेते थे अपने पास ऐसे हम भी चाहेंगे वो भी हमारे